इंडिया 50, एनडीए 24 और अदर्स 2, पोस्टल बैलेट की शुरुआती गिनती। जैसा मैंने पहले कहा, हो सकता है कि ये रुझान, ये आंकड़े उन राज्यों से आ रहे हों जहां पर इंडिया गठबंधन पहले से मजबूत माना जा रहा है और एनडीए कमजोर माना जा रहा है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स में शुरुआती रुझानों में आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। आनंद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी विश्लेषण का समय नहीं है, अभी सिर्फ आपको अपडेट देने का समय है। दीपक जाएं कांग्रेस से। दीपक, क्विक कमेंट, आपकी तो उम्मीदें, हौसले, एक्सपेक्टेशन, आकांक्षाएं सब बढ़ गई होंगी। 50-24 दिख रहा है फिलहाल शुरुआती रुझान में दीपक। मानक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो रुझान होता है ना, ये मूड ऑफ द नेशन होता है। इससे पता चलता है कि देश का मूड क्या है। देश का मूड इंडिया गठबंधन के साथ है। भाजपा के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चलते, इस बार भाजपा साफ है। दूसरी बात ये बोलूंगा, जो टेंट पे इन पे इतना दर्द हो रहा है भाजपा के प्रवक्ताओं को, अरे भैया आपने 5-स्टार ऑफिसेज बना लिए पूरे देश में। देश का काला धन भ्रष्टाचार कहीं पहुंचा ना हो, पहुंचाओ, लेकिन भाजपा के ऑफिसों में पहुंच गया है। तो कृपया करके टेंट पे कमेंट मत करिए, टेंट पे लोग रहते हैं। और दूसरी बात मैं बोलूंगा, ये सरकार इंडिया गठबंधन बनाने जा रही है, मानक भाई थोड़ा आप भी कुछ कम कर दिए क्या, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, सीख लीजिए, ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे विपक्ष ना जीतना चाहे, ना जीते, तो ऐसा ना दिखाइए देश को। देश को एक तटस्थ पत्रकारों की भी जरूरत है, देश को बताने की जरूरत है कि किस तरीके से भाजपा ने सामदाम दंड के साथ चुनाव लड़ा था, किस तरीके से छल किया, किस मीडिया से लड़ते रहे, जनता के साथ कपट किया। देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ रुक जाइए। दीपक, वन सेकंड, अरे आज तो छोड़ दीजिए भाई, आज तो मीडिया से मत लड़िए, एक सेकंड रुक जाइए, अपडेट दे रहा हूं। इंडिया गठबंधन 58, एनडीए 24, अदर्स 2, कुल मिलाकर 84 सीटों के रुझान। उत्तर प्रदेश में देखिए, एनडीए 8 है, इंडिया गठबंधन 10, शुरुआती रुझान। पश्चिम बंगाल टीएमसी 4, बीजेपी 2, वहां देखिए तमिलनाडु डीएमके प्लस 2 गठबंधन 2 सीटों पर आगे। कर्नाटक में एनडीए 3, इंडिया 4, यूपी बड़ा दिलचस्प, एनडीए 12, इंडिया 8। अखिलेश यादव कह रहे हैं 50 सीटें जीतेंगे। शिवम त्यागी कोई कॉमेंट, शिवम बोलिए क्या कह रहे हैं आप। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता था कि मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, अभी तो ट्रेंड्स आपके फेवर में है, सुबह सुबह का समय है, अभी तो कम से कम हारी हुई जबान मत बोलो, ऐसे दिखा रहे हैं, वैसे दिखा रहे हैं, खुश रहिए भाई। जितनी देरी है आपके स्क्रीन पर, थोड़ी बहुत 2-4 सीटें आपकी ज्यादा है, मुझे लगता है दीपक झा को सुबह की शुरुआत थोड़ी हंसी खुशी के साथ करनी चाहिए। शिवम मन सके, अभी देखिए इस देश से है, सिस्टम से है, 12 बजे के बाद दिख रहा है, देश में आग लगाने की बात भी नहीं होगा। शिवम, ये शुरुआती रुझान है, फिर से इस राइडर के साथ बता रहा हूं, पोस्टल बैलेट की गिनती में इंडिया गठबंधन 60, एनडीए 26, यकीन खुद नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं हो रहा होगा, 60 और 26 कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन 60 सीटों पर आगे, एनडीए 26 पर आगे, अदर्स 5। इसका ब्रेकअप भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये हवा हवाई आंकड़ा नहीं है, आप हर एक राज्य का सिलसिलेवार देख सकते हैं, कौन सी सीट पर कौन सा गठबंधन, कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन से उम्मीदवार का हाल क्या है, वो भी स्क्रीन पर बीच में आप देख पाएंगे, एक एक उम्मीदवार का अपडेट होगा। उत्तर प्रदेश एनडीए 12 है, पश्चिम बंगाल टीएमसी 4, बीजेपी 2, 6 सीटों के रुझान है वहां पर। बिहार में एनडीए 2, इंडिया 3, तमिलनाडु में डीएमके प्लस यानी कि इंडिया गठबंधन 2, कर्नाटक आप देख ही रहे हैं इंडिया गठबंधन आगे, महाराष्ट्र एनडीए 7, इंडिया एनडीए 9, इंडिया 7, 9-7, पश्चिम बंगाल टीएमसी 4, बीजेपी 2, और नीचे देखिए राजस्थान इंडिया गठबंधन 6, एनडीए 5, दिल्ली अभी 0 दिख रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि सबसे पहले दिल्ली का ही नतीजा आएगा, ईवीएम खुलने के बाद सबसे पहले दिल्ली का नतीजा आ सकता है। बदायूं से आदित्य आगे चल रहे हैं, कल्याण से सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे आगे चल रहे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही है, और पूरा आंकड़ा ऊपर, टोटल इंडिया 52, हाफ सेंचुरी के पार, एनडीए 45।